Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. आज मैं आपको बताऊंगी कि आप हाथ और पैर के हेयर कैसे रिमूव कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक रेजर की मदद से। अब बहुत कोई सोचते हो एक रेजर यूज करना, बाल रिमूव करना मतलब दोबारा कड़े बाल उगना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ये एक मिथ है जो कि आप लोग सोचते हो, क्योंकि अभी आप मेरे हाथों को देख सकते हो, बिल्कुल भी कड़े बाल नहीं है। मैं बहुत बार लगभग 10-15 बार अपने हाथ और पैर के बाल रिमूव क्यों सिर्फ और सिर्फ रेजर की मदद से, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना। बट हाँ, जब भी आप रेजर यूज करो तो अच्छी क्वालिटी की यूज करना। दो बेस्ट क्वालिटी के रेजर मार्केट में अवेलेबल है, एक है वीनस, दूसरा है सॉफ्ट केयर। तो मैं यहाँ पर सॉफ्ट केयर का रेजर यूज करी, उससे बिल्कुल भी कड़े बाल नहीं उगते, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जब भी अपने हेयर को रिमूव करती हूँ ना, तो यही सॉफ्ट केयर रेजर से यूज करती हूँ। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि अगर आप रेजर यूज करोगे तो आपको दोबारा कभी भी कड़े बाल नहीं उगेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कड़ा लगता है, लेकिन थोड़ा जैसे बड़ा होता है आपका, जितना बड़ा बाल है उतना होता है, उसके बाद सेम एज इट इज वैसा हो जाता है। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। और यही नहीं, जो लोग सोचते हैं कि दोबारा कड़े बाल उगते हैं, वो लोग वैक्सिंग कराते हैं। वैक्सिंग से क्या होता है ना कि वैक्सिंग के लिए तो एक अदर पर्सन चाहिए, या फिर आपको पार्लर जाना पड़ेगा, अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, ये हो गया। और जिनके सेंसिटिव स्किन रहते हैं ना, उनको रैसेस और रेडनेस हो जाता है, क्योंकि मेरा सेंसिटिव स्किन है। मैं एक बार ही वैक्स कराई हूँ अपनी पूरी लाइफ में, मेरे को लिटरली रेडनेस और इचनेस और जलन, ये तीन चीज़ एक साथ हो गया था। और मेरे को शादी में जाना था, लिटरली हाथ पूरा रेड था यार, मैं तुम्हें क्या बोलूँ, मतलब मेरे को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। इसलिए मैं कभी प्रीफर नहीं करती हूँ कि मैं वैक्सिंग कराऊँ। और वैक्सिंग के लिए आपको पार्लर भी जाना पड़ता है, और ऊपर से अगर आप घर पे भी करोगे ना, तो आपको कोई अदर पर्सन की जरूरत रहती है। तो मेरे को तो बेस्ट ऑप्शन लगता है रेजर यूज करना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे रेजर यूज करोगे घर पर। पहले आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए, सेकंड आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए, थर्ड आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर देना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज मेरे को मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला स्टेप होता है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन से क्या होता है, आपके हाथ में जितने भी डर्ट स्किन लेयर होते हैं, डर्ट चिपके होते हैं ना, वो इससे निकल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको स्क्रबिंग करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, टाइप ऑफ आप स्क्रबिंग भी बोल सकते हैं, करने के लिए मैं यहाँ पर कॉफ़ी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मार्केट में कोई भी ब्रांड का स्क्रब है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर नेचुरल तरीके से बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 रुपये का शास्त्र पैक का नेश कैफे का कॉफ़ी, आपको अच्छी तरह से इस पैकेट को फाड़ के एक बाउल में अच्छी तरह से डाल देना, जैसे कि आप देखे होंगे मैं डाली हूँ। उसके बाद आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट चाहिए, शुगर पाउडर। शुगर पाउडर अगर आपके घर पे नहीं है तो आप शुगर को ग्राइंड करके बना सकते हो। मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच ले रही हूँ। शुगर पाउडर स्क्रबिंग एजेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर शुगर पाउडर ले रही हूँ। थर्ड मैं इंग्रेडिएंट इसमें डाल रही हूँ कोकोनट ऑयल। अगर आपके घर में कोकोनट ऑयल नहीं है, वैसे तो सबके घर पे रहता है कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप एलोवेरा भी डाल सकते हो या फिर हनी भी डाल सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ और डालकर अच्छी तरह से यहाँ पे मिला रही हूँ। तो हमारा ये एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए हमारा पैक बन चुका है। अब मैं इसे अपने हाथों पे यूज़ करूँगी। हाथों पे यूज़ करने से पहले आपको अच्छी तरह से अपने हाथों को वॉश कर लेना है विथ सोप या फेस वॉश, या फिर शार जेल आता है उसे भी कर सकते हो। और अच्छी तरह से आपको वॉश करने के बाद आपको ये एक्सप्लॉयटेशन पैक लगाना है, लगाना और अच्छी तरह से आपको रब करते रहना है, ताकि जितने भी डर्ट के लेयर होंगे ना, वो अच्छी तरह से निकल जाए, जितने भी डर्ट होंगे वो निकल जाए और बाल अच्छी तरह से खड़ा खड़ा हो जाए, जिसके कारण आप रेजर यूज़ करेंगे तो आराम से वो निकले। मेरा एक हाथ का एक्सप्लॉयटेशन यानी कि स्क्रबिंग अच्छी तरह से हो चुका है। अब मैं अपने दूसरे हाथों में करूँगी, सेम एज इट इज़ आपको दूसरे हाथों में भी करना है। अच्छी तरह से मैं यहाँ पर दोनों हाथों में एक्सप्लॉयटेशन कर लूँ। उसके बाद आपको 2 मिनट तक ऐसे छोड़ देना है, क्योंकि इसमें है कॉफ़ी जो कि आपके स्किन को ब्राइट करता है और स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर 2 मिनट तक ऐसे से छोड़ दूँगी, देन मैं इसे नॉर्मल वाटर से इसे धो दूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी हाथों को धोकर आ गई हूँ 2 मिनट के बाद। लिटरली अभी मेरा हाथ इतना सॉफ्ट लग रहा है ना, बिकॉज इसमें इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट थे जो कि स्किन के जो लेयर थे, डेड स्किन लेयर थे, उसको रिमूव करके सॉफ्ट बना दिए हैं। और नाउ इट्स टाइम टू रिमूव
सेकंड स्टेप के लिए आपको फोम देना है, फोम यानी कि झाग बनाना है अपनी हाथों को। तो मैं यहाँ पर झाग बनाने के लिए फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ हिमालय का। अगर आपके पास क्रीम है, सेविंग क्रीम, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, सोप भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सार जेल भी यूज़ कर सकते हो। तो अच्छी तरह से आपको फोम दे देना है। फोम देने के बाद आपको अलग से निकाल कर वाटर भी रखना है, या फिर आप बाथरूम में कर रहे हो तो आप अपना टैप यानी कि नल ऑन करके रखना, क्योंकि आप जैसे जैसे हेयर रिमूव करोगे ना तो हेयर लग जाता है रेज़र में, जो कि आपको बार बार रेज़र से हटाना है, दैट्स अच्छे से आपका सेव होता है। तो मैं यहाँ पर सेव करूँ, सेव हमेशा आपको अपोजिट डायरेक्शन में करना है, मतलब जिस तरफ से आपका हेयर का ग्रो है उस तरफ से बिल्कुल भी नहीं, आपको उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करना है। इससे आपका शेप जो है हेयर अच्छी तरह से होता है। थोड़ा सा ही मैं यहाँ पर शेप की, और शेप करने के बाद आप मेरी हाथों की चमक देख सकते हो, कितना ग्लो करने लगा है। लेकिन ध्यान रहे, आप जैसे जैसे हेयर को रिमूव करोगे वैसे वैसे आपके जो बाल होते हैं हाथ के ना, वो उखड़ते हैं और रेजर में चिपक जाते हैं। तो आपको बार बार उसे धोना है पानी से, ताकि सारा रिमूव हो जाए और अच्छी तरह से आपका हेयर रिमूव हो पाए। आपको बार बार धोते रहना है। और अगर आपको लगे कि आपको फोमिंग की ज़रूरत है, लाइक सूख गया है, तो आप दोबारा से पानी लगाओ और शार जेल लगाओ, आप जो भी यूज़ करें दोबारा लगाओ, जिससे फोमिंग आ जाएगा और अच्छी तरह से फोम रहने से अच्छी तरह से हेयर रिमूव होता है। तो बस मैं अपने एक हाथ के बाल अच्छी तरह से रिमूव कर दी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। सेम एज इट इज़ मैं अपने दूसरे हाथ के भी बाल रिमूव करूँगी, यानी कि शेव करूँगी, और उसके बाद मैं आपको धोकर फ्रेश होकर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हाथ कितना लाइटन कर रहा है, और थर्ड स्टेप आपको क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरा जो लेफ्ट हैंड है कितना ग्लो करने लगा है। टेंटना मैं नहा कर आ गई हूँ, फ्रेश होकर आ गई, और लिटरली मेरे हाथ इतने सॉफ्ट लग रहे हैं ना, और ग्लोई भी लग रहे हैं, बहुत चमक आ गई है हाथों में। आपको थर्ड स्टेप में आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते होंगे। मैं यहाँ पर वैशलिन का कोकोआ ग्लो यूज़ करती हूँ, जो कि दी बेस्ट होता है, मैं ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद आपको बस इतना ही करना है, आपके हाथ का जो हेयर है वो रिमूव भी होगा और आपका हाथ जो है वो भी ग्लो आएगा, ये तीन स्टेप करने से। सबसे पहले आपको एक्सप्लॉयटेशन करना है, सेकेंड आपको रिमूव करना है, थर्ड आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। आपका हाथ में जितने भी डस्ट के लेयर होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे और बहुत सुंदर हो जाएगा आपका हाथ। तो कैसे लगे आप लोगों को आज की वीडियो? आई होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और इसके रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। या फिर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है बॉडी रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो जो भी मन है पूछने को आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट। सो वेट क्या कर रहे हो, फटाफट जाकर हेयर रिमूव करो। आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल में नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलती हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।